रिवीजन वर्कशीट टू फॉर क्लास नाइन्थ फॉर टर्म टू एग्जाम्स द वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर. ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज फ्रॉम द चैप्टर पॉलीनोमियल्स. फॉर द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन बाई फाइव माइनस सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज टू पावर सिक्स. राइट द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल. नेक्स्ट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. नेक्स्ट कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज टू पावर सिक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म. नंबर वन डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज सिक्स. नाउ द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज सिक्स. नंबर टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज टू पावर थ्री. द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब तो वी कैन राइट एक्स क्यूब बाई फाइव प्लस टू बाई फाइव एक्स प्लस वन बाई फाइव. ओके नाउ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज वन बाई फाइव. कॉफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर सिक्स. एक्स रेज टू पावर सिक्स द कॉफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर सिक्स इज माइनस वन. एक्स रेज टू पावर सिक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन. एंड द फोर्थ इज कॉन्स्टेंट टर्म. विच वन इज द कॉन्स्टेंट टर्म ओनली वन बाई फाइव. कॉन्स्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स है इसमें वेरिएबल नहीं है. द कॉन्स्टेंट टर्म इज वन बाई फाइव. ओके क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स. द क्वेश्चन नंबर टू इज बी डी ई एफ एंड सी एफ डी सी ई. बी डी ई एफ एंड एफ डी सी ई इज आर पैरेललोग्राम. कैन यू से अबाउट द बी डी इक्वल टू सी डी. बी डी इक्वल टू सी डी. सी इन दिस फिगर BDEF is a parallelogram. So the properties of parallelogram is opposite sides are equal and parallel. So it means BD equal to EF. First we have to write BD equal to EF. Opposite sides of parallelogram BDEF. Okay. In the second the CDEF is also a parallelogram. This one is also a parallelogram. It means this side EF is equal to the CD. Okay. Because CD equal to EF. Opposite sides of parallelogram CDFE. यानी ये साइड इसके बराबर है क्योंकि इस पैरेललोग्राम की साइड है अपोजिट साइड है और दूसरी इसके बराबर है क्योंकि ये अपोजिट साइड है. फ्रॉम वन एंड टू इफ दिस इज द वन इक्वेशन नंबर वन एंड दिस वन इज टू. फ्रॉम वन एंड टू बी डी इक्वल टू सी डी. ओके कि बोथ आर इक्वल टू ई एफ देयर फोर बी डी इक्वल टू सी डी. And it's proved. Question number 3. P is the center of the circle. Prove that angle XPZ. XPZ means this one. Equal to 2 times XZY. This one. Plus YXZ. This. XPZ equal to 2 times XZY plus YXZ. Make a figure. P is the center. And XZ is a chord. XZ is a chord. तो angle XPZ इस chord से बनने वाला angle हमको क्या prove करना है. Angle XPZ equal to 2 times here is the point Y. Y YZX plus YXZ 2 times of the sum of these two angles. Okay. तो angle सेंटर पे बनने वाला एंगल जस्ट क्या होता है हाफ ऑफ द डबल ऑफ द रेस्ट ऑफ द आर्क. नाउ सी XY कॉर्ड सबटेंड एंगल XPY एट द सेंटर. दिस वन एट द सेंटर एंड द सेकेंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल XZY. सेम
आर्क से एक्स वाई से एक एंगल इधर बन रहा है रेस्ट ऑफ द आर्क में और ये बन रहा है सेंटर पर. तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट द एक्स वाई सबटेंड्स एंगल एक्स पी वाई एट द सेंटर एंड एंगल एक्स जेड वाई. ओके, एक्स जेड वाई एट ए पॉइंट जेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो हम लोग जानते हैं सेंटर पे बनने वाला क्या होता है, डबल होता है, यानी एंगल एक्स पी वाई इक्वल टू टू टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई. सेम वाई जेड आर्क, वाई जेड एंगल वाई पी जेड ये सेंटर पे बन रहा है और इस और रिमेनिंग आर्क पे क्या बन रहा है, ये पी एक्स जेड. तो सेम लाइन फिर लिखेंगे, सिमिलरली सिमिलरली आर्क वाई जेड सबटेंड्स एंगल एक्स पी जेड दिस वन इज ओके एंगल सॉरी वाई एक्स जेड नॉट द एक्स पी जेड वाई पी जेड वाई पी जेड एट द सेंटर एंड एंगल वाई एक्स जेड दिस इज द वाई एक्स जेड एट ए पॉइंट वाई इन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल. यानी सेम आर्क से बनने वाला एंगल एक तो सेंटर पे बनेगा और एक किसी पॉइंट पे बनेगा, वो उसका सेंटर पे बनने वाला हमेशा डबल होता है. तो ये लिखना जरूरी है रीजन. ओके, तो देयरफॉर द एंगल एक्स पी जेड सॉरी वाई पी जेड बार बार एक्स पी जेड वाई पी जेड इक्वल टू टू टाइम्स एंगल वाई एक्स जेड. एक्स पॉइंट पर बन रहा है, सेंटर पर पी बन रहा है, तो वाई पी जेड इक्वल टू टू टाइम्स वाई पी एडिंग वन एंड टू दिस इज अ टू एडिंग वन एंड टू जस्ट एड एक्स पी जेड प्लस एंगल वाई पी जेड इक्वल टू टू टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई टू टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई एंड टू टाइम्स एंगल वाई एक्स जेड. तो एक्स पी जेड प्लस वाई पी जेड इन दोनों को एड करेंगे तो एंगल क्या बनेगा, एक्स पी जेड एक्स पी वाई एक्स पी वाई प्लस वाई पी जेड इक्वल टू एंगल एक्स पी जेड. यही प्रूव करना था, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है. तो क्वेश्चन नंबर फोर, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस हूज साइड इज ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल इज 45 डिग्री. ओके, ए रोम्बस हूज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोम्बस मीन्स वी नो दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड एनी वन एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. सपोज इट इज इक्वल टू द 45 डिग्री. तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन ए बी इज 3.4 सेंटीमीटर, देन मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड प्रोड्यूस दिस लाइन एंड कट एन आर्क ऑफ 3.4 सेंटीमीटर. फ्रॉम हियर कट एन आर्क 3.4 from this we get point C. Let's see construction.
क्वेश्चन नंबर फाइव, ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन ए इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, बोथ आर स्टैंड ऑन ए सेम बेस. सेम बेस मीन्स द रेडियस इज सेम, डायमीटर इज सेम एंड द हाइट इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ कोन, तीनों सेम है, हम लोग निकलेंगे वी वन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट हाइट इज सेम, रेडियस एंड हाइट इक्वल टू सेम, आर इक्वल टू एच, तो वी कैन से दैट 1/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. नेक्स्ट बी टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. एंड द थर्ड वी थ्री, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, बट सेम, रेडियस इक्वल टू हाइट, सेम हाइट है तीनों की, चाहे वो हेमिस्फीयर तो रेडियस ही तक ऊंचा होगा, तो इसलिए कोन भी यहीं तक ऊंचा हो सकता है, जितनी इसकी रेडियस है उतना ही कोन ऊंचा होगा और उतना ही सिलेंडर ऊंचा होगा, यानी सबकी रेडियस इक्वल टू हाइट रहेगी. तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू आर पाई आर क्यूब. अब हमको तीनों का रेशियो निकालना है, यानी वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री. फर्स्ट 1/3 पाई आर क्यूब इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब. अब तीनों में पाई आर क्यूब है तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1, और तीनों में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/3, 3 इंटू 2/3, 1 इंटू 3, तो वी गेट 1 इज टू 2 इज टू 3. यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, द रेशियो इज 1 इज टू 2 इज टू 3. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर प्रोबेबिलिटी, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाई स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो. फर्स्ट 6 टेस्ट, द मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स 52, 60, 65, 75, 80, 72. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट टेस्ट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स. मोर देन 70% मार्क्स वी गेट इन 3 टेस्ट, 1, 2, 3, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आर 6, एंड द मोर देन 70% मार्क्स इन 3 टेस्ट, 1, 2, 3, लेस देन 70%, 1, 2, 3, 70% से कम कितने में आए हैं, 3 टेस्ट में, 1, 2, 3, एटलीस्ट 60% मार्क्स, कम से कम 60%, तो 60% तो इन पांचों में आया है, इसी में नहीं आया, तो लेस देन एटलीस्ट 60% मार्क्स स्टूडेंट गेट्स इन 5 टेस्ट, 1, 2, 3, 4, 5. नाउ सी द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट द नंबर ऑफ टेस्ट, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ टेस्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 70% मार्क, स्कोर मोर देन 70% मार्क्स, कितने टेस्ट में आया था, 3 में. तो नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मोर देन, किसकी हमको पूछी है, मोर देन 70% मार्क्स. तो टोटल टेस्ट आर 6, तो 3/6, 1/2, टोटल टेस्ट तो 6 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड द टोटल आउटकम्स 6. एंड द सेकेंड, नंबर ऑफ टेस्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 70% मार्क्स, तो हम लोग देखे थे लेस देन 70% मार्क्स कितने में आए थे, 3 टेस्ट में,
तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 70% मार्क्स, इक्वल टू 3/6। ये भी थ्री टेस्ट में 70% से कम थे और थ्री में ज्यादा थे, और हमको थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 60% मार्क्स। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ टेस्ट्स इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड एट लीस्ट 60% मार्क्स। तो वन टेस्ट को छोड़ के उसने सभी में स्कोर किए हैं 60% से ज्यादा, यानी 5 टेस्ट में बुलाया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 60% मार्क्स इक्वल टू 5/6। ओके, दिस इज द रिवीजन टेस्ट ऑफ मैथ्स क्लास 9 फॉर टर्म 2 एग्जाम्स। ओके।